हेलो डियर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी 17 फिट बाई 75 फिट की प्लॉट साइज प्लानिंग है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, 2 बेडरूम, ऑफिस कम शॉप और कार पार्किंग और लिविंग हॉल के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्लॉट की चौड़ाई काफ़ी कम है और गहराई काफ़ी ज़्यादा है, तो वेंटिलेशन का हमने इसमें फुल ध्यान रखा हुआ है, प्रॉपर वेंटिलेशन दिया है। समझते हैं प्लानिंग को। वन साइड रोड है प्रॉपर्टी के और 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी हैं। फ्रंट पर ये हमारी रैंप रहेगी और यहाँ से हमारा 9 फिट का गेट रहेगा। यहाँ हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि शॉप के लिए है, शॉप या ऑफिस आप इसे बना सकते हैं। 6 फिट 6 इंच बाई 13 फिट का ये हमारा शॉप या ऑफिस रहेगा। इसके बगल में ये हमारा पार्किंग स्पेस रहेगा और ये हमारा 9 फिट बाई 23 फिट 6 इंच का रहेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो फिर आप इसमें एवरेज लंबाई की कोई सी भी कार आसानी से पार्क कर सकते हैं। उसके बाद भी आप यहाँ 2 बाइक आगे लगा सकते हैं, स्टेयर के नीचे भी आप लगा सकते हैं बाइक को। ऑफिस के लिए आप टॉयलेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टेयर के नीचे बैक साइड में बना सकते हैं और उसकी जो एंट्री है आप शॉप से ही दे सकते हैं। हमने इसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने इसको प्लान नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये हमारा ड्राइंग रूम की एंट्री हो जाएगी, यहाँ से सीधा घर के अंदर। और ये जो अप लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा और ये ऐसे घूमता हुआ ऐसे आ जाएगा वापस। ये हमारा ड्राइंग रूम 15 फिट 10 इंच बाई 9 फिट का रहेगा, जिसमें सिटिंग रहेगा, ये फर्नीचर लेआउट, और ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा। यहाँ हमने 3 फिट 9 इंच का पैसेज दिया है। इस पैसेज में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमने बेडरूम प्लान किया हुआ है 11 फिट 9 इंच बाई 12 फिट 6 इंच का। बेडरूम में ये बेड रहेगा, ये वार्डरूम और ये हमारा टीवी यूनिट। यहाँ ओटीएस एरिया है और ओटीएस एरिया में जाने के लिए बेडरूम से गेट दे रखा है और उसके साथ ही ये विंडो भी दे रखा है। तो इस ओटीएस एरिया में आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह आसानी से रख सकते हैं। 5 फिट बाई 6 फिट का काफ़ी बड़ा ओटीएस एरिया है। यहाँ रहेगा फ्रेंड्स कॉमन टॉयलेट 6 फिट 4 इंच बाई 6 फिट का। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारा किचन है 10 फिट बाई 7 फिट 4 इंच का, जिसमें ये प्लेटफॉर्म रहेगा और विंडो इसका ओटीएस की तरफ रहेगा, तो इससे प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। किचन का लेआउट, ये हमारा गैस स्टोव, इस तरफ हमारा सिंक और ये हमारा फ्रिज रहेगा। सबसे लास्ट में जाएंगे आप तो ये हमारा बेडरूम रहेगा 15 फिट 10 इंच बाई 10 फिट का। बेडरूम का लेआउट आप देख सकते हैं, ये वार्डरोब, ये हमारा बेड और ये टीवी यूनिट। और यहाँ फ्रेंड्स एक डोर दे रखा है पीछे ओपन बैकयार्ड में जाने के लिए, और उसके साथ ये विंडो भी दे रखा है वेंटिलेशन के लिए। तो यहाँ से आप बेडरूम के लिए कूलर भी आसानी से लगा सकते हैं और विंडो एसी भी आसानी से लगा सकते हैं। और ये जो एरिया रहेगा हमारा, ये पूरा खुला एरिया रहेगा, तो यहाँ आप अपने इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी आप रख सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं। ये हमारा यूटिलिटी एरिया रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 17 फिट बाई 75 फिट का बहुत ही शानदार नक्शा। आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।